चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। राम है, रुकावटें नजर आ रही हैं। कौन सी रुकावटें होए? मेरे को तुम परेशान लग रहे हो। ओ, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं नबील हूँ। मेरा मतलब ये कि तुम अभी अभी किसी से बेइज्जत होके आ रहे हो। अरे आपको कैसे पता चला कि मैं अपनी बीवी से अभी अभी डांट खा के निकला हूँ? तुम्हारा सितारा बतला रहा है कि तुम्हारी बीवी बड़ी खूबसूरत है। अरे आपको तो मेरी बीवी का नाम भी पता है? मेरे को तो और बहुत कुछ पता है। क्या आप है कौन? हनुमान? मैं मुकद्दर हूँ और मुझे सितारों का इल्म है। मेरे सितारों का इल्म ये कह रहा है कि अन करीब तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? बहुत बड़ी मुसीबत। इसके लिए तुम्हें मुर्गाबी का अंडा सदका करना होगा। लेकिन मैं मुर्गाबी का अंडा कहाँ से लाऊंगा मुकद्दर जी? अच्छा चलो फिर मुर्गी का भी चलेगा। यार ये तो बड़ा ही काम का आदमी है, इसे घर ले जाता हूँ। इत्मीनान से अपनी किस्मत का हाल पूछूंगा। मुकद्दर जी आप मेरे साथ चले घर, मैं आपको तसल्ली से अपना हाथ दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ चलो चलो, लेकिन 5,000 पे लूंगा। क्या आप हाथ देखने के पैसे लेते हैं? हाँ हाँ यही मेरी रोजी है। रोजी कौन? मेरा मतलब ये है कि लोगों की किस्मत का हाल बताना ही मेरा काम है। ये तो बड़ा आसान काम है मुकद्दर जी, मुझे भी सिखा देना प्लीज। हाँ हाँ सिखा दूंगा, लेकिन इसकी भी फीस लूंगा। हाँ हाँ ले लीजिएगा फीस, बस एक बार मैं ये सितारों का इल्म सीख जाऊं फिर पैसे ही पैसे। आओ 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 आ जाओ आ जाओ आओ आओ आ जाओ। क्या कर रहा है? सुन खुशबख्त, आज दोपहर में ना टिंडे पका ली। खूबसूरत माँ जी। हाँ खूबसूरत से टिंडे पका लेना, वो लोहे के अब्बे को बहुत पसंद है। सोना? हाँ मेरा बेटा सोना। ओहो मैं सोना नहीं हूँ, मैं तो सोने का बाप हूँ महमूद। महमूद मेरा बेटा है। ओ, देखो ये कौन आया? कौन? ये मुकद्दर है। किसका? अपने अम्मी अब्बा का। अरे तुम उनके मुकद्दर हो तो यहाँ क्या कर रहे हो भाई? महमूद साहब ये बहुत पहुँचे हुए हैं। कहाँ पहुँचे हुए पुत्र? अरे इन्हें सितारों का इल्म आता है और ये कमाल का हाथ देखते हैं। अच्छा तो ये कमाल का हाथ देखने आए? यहाँ तो कोई कमाल नहीं रहता। ओ भाई क्या हो गया आप लोगों को, किस्मत का हाल बताते हैं ये। तुम इनकी बेकार की बातों पर यकीन रखते हो? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है इन बातों पर। तू फमीदा का हाथ छोड़, मेरा हाथ देख सिकंदर। मुकद्दर? हाँ हाँ मुकद्दर का हाथ देख फमीदा। भाई देखे मैं सबके सामने हाथ नहीं देखता, मैं अकेले में आपको किस्मत का हाल बताऊंगा। चल 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 बाय। मारी हाथ दिखाने गई है, इसके साथ हाथ ही ना करते। हाँ तो आप ये बताएं कि आपकी तारीख पैदाइश क्या है? हैं? ओहो भाई आप पैदा किस दिन हुई थी? बड़ा प्यारा दिन था पुत्र, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और वो भी गरज रहे थे। वो कौन? आपके अब्बा? ना जी ना, वो जो आसमान में नहीं होते। ओहो आप बादल की बात कर रही हैं? हाँ हाँ बादल भी गरजे थे बड़ी जोर से। अरे तो उस दिन तारीख क्या थी अम्मा? वो तो मुझे याद ही नहीं है चुकंदर। मुकद्दर? ओए मुकद्दर को याद है, जा फिर उससे पूछ ले। लाए भाई अपना हाथ दिखाएं मुझे। अच्छा ये ले। ओहो मैंने हाथ दिखाने को बोला था, थप्पड़ मारने को थोड़ी बोला था। ओए इतनी लंगूठियां तेरी, इतनी मंगनियां हुई हैं खदर। ओ मुकद्दर नाम है मेरा, आप मुझे हाथ देखने दे। ले देख। हुए हुए राहु आपके घर में कब्जा जमाए बैठा है। ओ ये कौन कमीना है राहु, मैं अभी ठुडे मार के उसको बाहर निकालती हूँ। ओए होए 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 होए, नहीं 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 नहीं। ओए क्या हुआ क्या हुआ? अरे अम्मा आप तो सिर्फ 4 दिन की मेहमान है। अच्छा कहाँ? इस दुनिया में। क्या? हाँ अम्मा आपका कत्ल होने वाला है। ओए कौन करेगा मेरा कत्ल?
की बहू। मुझे तो शुरू से ही बड़ी जालम लगती थी वो, भैया वो मैं क्या करूं, मेरा कत्ल कर दिया, मेरा कत्ल करेगी वो, बताओ कत्ल इंजन की बहू कर रही है, चमाटे नीचे पड़ रहे हैं। अजीब है भाई, अकबाल अकबाल अकबाल, मेरा वो होने वाला है। ए, सच? क्या मैं फिर से बाप बनने वाला हूँ? क्या हुआ है मोमो? वो बदसूरत ना मेरा कत्ल करेगी। कौन बदसूरत? मेरी बहू मुनीर। महमूद? नहीं महमूद की नहीं, मेरी बहू। तुम्हारा मतलब खूबसूरत? हाय, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सी बाली उम्र में मेरा कत्ल हो जाएगा। अब बस कर दो मोमो, मुझसे कम अज कम 4-5 साल बड़ी होगी तुम। क्या आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे वो कहने की? वो क्या? वो जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ प्यारी। नहीं, वो तो मैं बहुत ज्यादा हूँ शौकत। ओहो मोमो, तुम इतनी सी बात को इतना बड़ा कर देती हो। हाँ हाँ बड़ा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे खुद से बड़ा कहने की है? अच्छा भाई, तुम नन्नी काकी बन जाओ, खुश? मेरा नाम काकी नहीं है, सुल्ताना है मोमो। हाँ मेरा नाम मोमो सुल्ताना है। आप मुझे कोई अच्छा सा वो क्यों नहीं दे देती? मैं तुम्हें कोई तोहफा नहीं दे रहा मोमो। ओए मैं तोहफे की बात नहीं कर रही हूँ हामिद। मोमो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम किस चीज की बात कर रही हो। हाँ हाँ आइडिया, आप मुझे कोई आइडिया क्यों नहीं दे देते हैं ताहर? महमूद ना, महमूद को नहीं मुझे आइडिया दे ना। अरे मोमो एक काम करो, इससे पहले कि वो तुम्हारा कत्ल करे तुम उसका कत्ल कर दो। उसका किसका? ओ भाई खूबसूरत का। हाँ ये ठीक है, मैं ना उसको। अरे इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा। अरे भाई तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं है बिल्कुल। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। ओ भाई मेरा मतलब है तुम्हारी किस्मत में पैसा नहीं है बिल्कुल। क्या? और तुम्हारी जो बीवी है ना वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती। ये भी मेरे हाथ में लिखा हुआ है। अबे भाई ये तो तुम्हारे मुंह पे लिखा हुआ है। ओ यार छोड़ो इसको, मुझे ये बताओ मेरी किस्मत कब खुलेगी? तुम्हारी बीवी के मरने के बाद। ओ भाई कैसी बातें कर रहा है, फिर तो मेरा ससुर मेरा खर्चा ही बंद कर देगा। अच्छा भाई तुम्हारा ससुर अमीर है? हाँ बहुत अमीर है, बड़ी दौलत बनाई है उस मोटे सांड ने। आज पूरा दिन तुम अपनी बीवी के चेहरे पे नजर नहीं डालना, वरना उसकी नहुसत से तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ और घर में जितनी भी सोने की कीमती चीजें ना, विनय यहाँ लाके ना टेबल के नीचे छुपा लो। वो क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे घर में चोरी भी हो सकती है। अच्छा मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ तू लेके आ, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। अच्छा वॉशरूम में ये मत लेके जाइएगा। हाँ मैं लेके आ, वॉशरूम चल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। क्या हो गया? मैं इधर देख लेगा। मीना 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 ये देख, मैं तेरे लिए ना अनार का जूस बना के लाई हूँ। रुकैया खूबसूरत माँ जी। नहीं नहीं खूबसूरत का नहीं, अनार का। ये पीने से ना तेरी रंगत जल जानी है। आपका मतलब है खेल जानी है? हाँ हाँ वही वही, ले पी ले। एक मिनट। हाँ हाँ बेशक, 2-3 मिनट ले ले। एक सेकंड है, आज तक माजी वैसे आपने मुझे पानी का ग्लास नहीं पूछा, तो आज ये जूस क्यों मिला रही है? शाबाश, तुझे किसने बताया कि इस शरबत में मैंने तेरे लिए चूहे मार दवा मिलाई है? क्या माजी आप मुझे जहर दे रही थी? ओए कितनी चलाक है तू, यास्मीन है? मैं यास्मीन नहीं हूँ माजी। वो तो तू इसलिए कह रही है ना कि मैं तेरा खून ना कर सकूं। पर आप मुझे मारना क्यों चाहती है? ना वो मैं तुझे नहीं बताऊंगी। घर में सबको क्या हो गया? जानू तुम यहाँ क्यों आ गई? क्या मतलब है तुम्हारा, ये मेरा कमरा है और तुम ये मुझसे मुंह क्यों छुपा रहे? बेसिकली जानू दिन-ब-दिन मैं खूबसूरत होता जा रहा हूँ ना, तो मुझे डर ही है कि कहीं तुम्हारी नजर ना मुझे लग जाए। सोचा आपने बेल। ओके जानू तुम मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ यार। जानू ये चांद तो तुम्हें कल ही नजर आएगा। क्या हो गया है सबको,
वहाँ माँ जी मेरी जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है तुम्हारी जान जानू? ओहो, अब मैं अपनी बात कर रही हूँ यार। जानू वैसे तुम कितनी खुद पसंद होती जा रही हो। मुझे तो लगता है माँ जी मेरा खून करने वाली हैं। अच्छा जानू, तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि अपनी माँ जैसी सास के हाथों कातिल होगी। शट अप, मुझे लगता है ये सब कुछ उस मुकद्दर की वजह से हो रहा है। उसे तो फौरन घर से निकालती हूँ मैं। वो जानू, नहीं नहीं नहीं, उसको कुछ नहीं कहना, वो तो बहुत पहुंचा हुआ है। उसी ने तो मुझे कहा तुमसे चेहरा छुपाने के लिए। सबका दिमाग खराब हो गया जो तुम उस पागल आदमी की बातों में आ रहे हो। और जानू प्लीज मेरी नजरों से दूर हो जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। भाई अन करीब आपकी जिंदगी में कोई कम मर और खूबसूरत लड़की आएगी। अब मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ। अरे नहीं, आप नहीं, कोई और लड़की। सच? अरे तुम्हारे हाथ में दूसरी शादी की लकीर है। मैं अभी इनके हाथों पे तेजाब डाल के लकीर मिटा देती हूँ। छछुंदर मुकद्दर, मुकद्दर के नहीं, इनके हाथों पे तेजाब डालूंगी मैं। मामा ये क्या कह रही हो तुम? आप दूसरी शादी करना कोई गुनाह थोड़ी है। मेरे होते हुए आप दूसरी वो नहीं कर सकते शियान। शादी? हाँ, आप शियान से दूसरी शादी नहीं कर सकते। ओहो मोमो, तुम्हारे होते हुए नहीं भाई, मुझे लगता है जब खूबसूरत तुम्हारा खून कर देगी ना, तब होगी मेरी दूसरी शादी। क्या? हाँ, और वो भी हसीन और खूबसूरत लड़की से। क्या हो गया, आप क्यों रो रही हैं? पुत्र, तेरे अब्बा वो कर रहे हैं दूसरी। वो क्या माँ जी? वो जो करने से इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। महमूद साहब चर्च पे रहे माँ जी, इसीलिए उनके चेहरे पर खपाजत आ रही है। आपको ऐसे घटिया शख्स के साथ शादी करनी नहीं चाहिए थी माँ जी। हाँ हाँ हाँ, शादी शादी फाखर, दूसरी शादी कर रहे हैं वो। अब ये फाखर कौन है सिंगर के अलावा? मेरे शोहर नमरूद। और माँ जी शक्ल उनकी फिरौन से मिलती है, वैसे वो महमूद हैं। अच्छा, हाँ तो वो दूसरी शादी कर रहे हैं पुत्र। ओ यार महमूद साहब दूसरी शादी क्यों करेंगे आपके होते हुए? ओए नहीं, मेरे होते हुए नहीं, नसीमा मेरा कत्ल करवाने वाली है जुल्फकार। नबील माँ जी? हाँ, नबील का कत्ल नसीमा करेगी जुल्फकार। ओ माँ जी आप सब्र करें, मैं खूबसूरत से कहता हूँ, वो महमूद साहब को समझा देती है। हाँ हाँ, खूबसूरत खूबसूरत मेरा कत्ल करवाने वाली है, और मेरे मरने के बाद ना मसूद की दूसरी शादी करवाएगी। ओ तो ये खूबसूरत है अपनी तरफ से इस पूरे फसाद की जड़। शोबशे, मैं तो समझी थी वो तेरी बीवी है। मैं तो कहता हूँ माँ जी आप जल्द जल्द खूबसूरत का ही काम तमाम कर दे। मैंने उसके किसी काम को हाथ नहीं लगाना। ओ माँ जी मेरा मतलब है आप खूबसूरत को ही जान से मार दे। हाँ ये ठीक है, मैं उसको अभी जाती हूँ। ओ माँ जी, ओ माँ जी, ओ ये चीज मेरे अजीज। जी मैंने क्या किया जो आप मेरी जान की दुश्मन बन गई हैं? अरे तू एक नंबर की चड़ैल है। खूबसूरत? ओए खूबसूरत नहीं है तू, चड़ैल है। मैं खूबसूरत हूँ माँ जी। ओए आज के बाद नहीं रहेगी बच्चू। क्या मतलब? मैं तेरा वो कर दूंगी। वो क्या? वो जो इंग्लिश में होता है ना। क्या? ओए वो जो उर्दू में भी होता है। ओहो माँ जी क्या कह रही हैं आप? ओ वही जो CID में रोज होता है। मर्डर? हाँ हाँ, मर और डर, मैं वही करूंगी तेरा आज। पर क्यों माँ जी? वो तो मैं भूल गई हूँ, लेकिन करूंगी जरूर। ओए भाग, ये ठहर। ओए मैं नहीं खिड़ाई करूं। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। गॉड, इस मुकद्दर के बच्चे को तो सबक सिखाना पड़ेगा। हेलो बट साहब, मैं खूबसूरत बोल रही हूँ। हाँ तो मैं भी कोई कम खूबसूरत तो नहीं हूँ। बट साहब मैं बुलबुले वाली खूबसूरत बोल रही हूँ,
आप जल्दी से यहाँ आ जाएं, माँ जी मेरा खून करने वाली हैं। हाँ हाँ, फिक्र ना करें, जैसे खून होगा मैं आ जाऊंगा। ओहो, बट साहब मेरा खून हो जाने के बाद आप यहाँ पे क्या लेने आएंगे? बिरयानी और क्या? हद होती है बट साहब। हाँ प्लीज फौरन आए, मैं अभी आता हूँ माँ जी को गिरफ्तार करने। माँ जी को नहीं, मुकद्दर को गिरफ्तार करने। ये मुकद्दर कौन है भाई? एक पागल आदमी है हमारे घर में, सबसे उल्टी सीधी हरकतें करवा रहा है। ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, मुझे तो फ्रॉड लग रहा है वो। अच्छा, मैं अभी आता हूँ, अल्लाह हाफिज़। ओके। महमूद साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। इस उम्र में जहाँ आपको उम्र की दरख्वास्त देनी चाहिए, आप दूसरी शादी का सोच रहे हैं। अरे नबील, तुम क्या रुसी सस की तरह जल रहे हो? नबील जल रहा है खलील? आप जैसा घटिया इंसान मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। आए माँ जी देखते हैं। अरे तुम्हें ठीक से दिखाई कहाँ देता है मोमू। अरे यार बस कर दे, आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? तू चुप कर अकेला, तू ही सारे फसाद की वो है। जड़ माँ जी जड़। हाँ तू ही फसाद की जड़ है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, वो आदमी आप सबको लड़वा रहा है यार। चुप करो नहुसा सदा औरत। नबील कहाँ है मुजरिम? ये है ये। माँ जी मैं खूबसूरत हूँ। हाँ यही वो खूबसूरत सी मुजरिमा है, गिरफ्तार कर लें डॉक्टर साहब इसको। मैं इंस्पेक्टर हूँ भाई, कहाँ है वो फ्रॉडिया? वो फ्रॉड नहीं था। हाँ उसका नाम बंदर था। बंदर नहीं माँ जी, मुकद्दर। वो तो अपनी फीस लेके गया। क्या? हाँ पूरे 50,000 रुपए तुम्हारे पर्स से निकाल कर दिए थे इसने उसको। नबील जानू वो बड़ा नेक आदमी था। शट अप नबील। ओके जानू। यार अच्छी तरह अपनी सारी चीजें चेक कर लो, कहीं वो चुरा के तो नहीं ले गया। मैं देख कर आती हूँ। वो तो बड़ा शरीफ आदमी था जट साहब। बट? हाँ लेकिन बट शरीफ कहाँ होते हैं? यार नबील जेवर गायब है। वो जेवर तो मैंने खुद यहाँ रखा, यही रखा था, यहाँ से कहाँ गायब हो गया? वॉक करने चले गए होंगे नबील। महमूद साहब लगता है मुकद्दर सारा जेवर लेके भाग गया। बट साहब आप गिरफ्तार करें नबील को, यही लेकर आया था उस फ्रॉडिये को। हाँ भाई अब आया हूँ तो किसी ना किसी को तो लेके जाऊंगा ना। ओ नहीं बट साहब, ये करीब पड़ रहे महमूद साहब को पकड़ ले। कपड़े तो बाहर धूप में नहीं सुखा सकती थी? धूप में ही तो सुखाने गई थी माँ जी। जानू क्या बहुत तकलीफ हो रही है? नबील मुझे लग रहा है मेरा बाजू टूट गया है। पापा ये वाली मम्मा बहुत गंदी है, मुझे नहीं मम्मा लाके दे। वैसे वैसे नबील इस वक्त मुझसे कोई फजूल बात करने की जरूरत नहीं है। तुम इससे बात करो खूबसूरत, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाना। मेरा पुत्र मर गया। ओ माँ जी मैं जिंदा हूँ। तो फिर तूने गले में ये हार क्यों पहना हुआ है? ओ माँ जी मैंने गले में हार डाला है, कौन सा मैंने अपनी तस्वीर पे हार डाला हुआ है? ये नबील ने ठीक नहीं किया महमूद साहब। उसकी बीवी अपाहज हो गई तो क्या हो गया? अरे मेरी बीवी भी तो ज़हनी मरीज़ा है, मैं नहीं उसके साथ गुजारा कर रहा। आप चाहे तो मेरी जितनी तारीफें कर लेना, मैं तुझे अंदर जाने नहीं दूंगी। माँ जी मेरा रास्ता छोड़े। खबरदार, नहीं तो झाड़ू मार के तेरा दूसरा बाजू भी तोड़ दूंगी। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई